अच्छा ये वाला क्वेश्चन बताया रूडोल्फ का, ये बहुत ज्यादा टफ था यार। अच्छा रुक जा बताता हूँ। अबे तो बहुत टफ है यार ये तो। कोई रूडोल्फ कौन सी बुक है? अबे तेको नहीं पता है, बहुत रशियन ऑथर की बुक है। लोग बोलते हैं जो कर लेता है उसका फिजिक्स बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा चल मैं ट्राई मारता हूँ। अबे यार इसके क्वेश्चन तो हो ही नहीं रहे। तो यार देखो ऐसा सबके साथ होता है, और इरोडोफ के बारे में अपने को कहीं ना कहीं से पता चलता है। मैंने एक वीडियो बनाई थी मेरी, कि मैंने जिसमें बुक्स बताई थी तो उसमें मैंने इरोडोफ बताई थी। मैंने बताया था कि मैंने कुछ चैप्टर्स करे थे इरोडोफ के, तो उसमें मैंने ये भी बोला था कि कुछ अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना। तो अभी कुछ दिनों से उसके वीडियो के नीचे काफ़ी कमेंट्स इस बारे में आ रहे हैं। तो आज अपन यही डिस्कस करने वाले हैं कि इरोडोफ की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है? मतलब इरोडोफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो दे ही रहा हूँ मैं, ठीक है? वो तो नीचे पढ़े ही हैं डिस्क्रिप्शन में, पर पहले जान लो इरोडोफ करना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। यार देखो एक मेरी एक छोटी सी सिंपल सी बात समझो। क्या होता है कि अपन एक इरोडोफ का क्वेश्चन करते हैं, उसके अंदर 4 घंटे लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं, फिर वो क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है? ऐसे अगर तुम ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो, अगर कुछ अच्छे लेवल के कर रहे हो, तो उसी अगर 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से जो तुम सीखते हो वो 1 करोड़ क्वेश्चन के करने से सीख जाते हो। तो मतलब सेम ही बात रहती है थोड़ी बहुत। और बहुत ऐसा ही है कि मतलब इरोडो कुछ लोग नहीं करते, वो भी IIT में रहते हैं, कुछ लोग करते हैं वो भी IIT में रहते हैं। सिर्फ थॉट प्रोसेस डेवलप करने की चीज़ है। अगर तुमको अच्छा बनना है फिजिक्स के अंदर तो उसको तुम एक ट्राई दे सकते हो। अगर हो रहे क्वेश्चन तो ठीक है, नहीं हो रहे तो कोई दूसरी ऑब्जेक्टिव बुक शिफ्ट हो जाए, क्योंकि सब अलग अलग है। किसी को सूट करता है सब्जेक्टिव से, किसी को सूट करता है ऑब्जेक्टिव से। तो अगर तुम ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा इजीली सीख पा रहे हो चीज़ें तो ऑब्जेक्टिव ट्राई मारो, या तो फिर सब्जेक्टिव ट्राई मारो। किसी को टफ क्वेश्चन करने का ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो इरोडो उठाओ, क्रोटोफ उठाओ, क्रोटोफ से करो, ठीक है? ये सब बहुत टफ बुक है और क्रोटोफ कुछ ज़्यादा ही टफ है, पर ठीक है। मतलब यही बस एक छोटी सी बात है। आप इस टाइम बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे तो मैंने बता दिया है। और देखो मैथ्स और केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा टफ होती हैं, तो उसको भी ले तुम सेम ही अप्रोच लगा सकते हो। सब लोग सारी बुक्स नहीं कर सकते, ठीक है? तो जितनी तुम ऐसी बुक करो जिससे तुम्हारा मैक्सिमम आउटपुट आ जाए, तो मतलब जितना तुम उसे निकालना चाहते हो तुम निकाल लो। जैसे मैथ्स में समीर बंसल होती है कैलकुलस के लिए, केमिस्ट्री में भी ऐसी RC मुखर्जी हो गई, या फिर बहुत सारी ऐसी बुक्स होती हैं जिसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है? तो अपने को उससे सीखना है। तो अगर थोड़ा एक ट्राई दो, अगर हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं हो रहे हैं तो या तो तुम सीख लो उन सब चीज़ों से, या तो फिर किसी और चीज़ पर शिफ्ट हो जाओ जहाँ से तुम्हें कॉन्फिडेंस मिल जाए। यार देखो बहुत सारे लोग ऐसे भी जो नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं, ठीक है? अगर तुम 11th क्लास में अपना थॉट प्रोसेस डेवलप करना चाहते हो अच्छा थोड़ा बहुत, ठीक है, तो उस बुक को उठाओ, क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस नहीं होंगे सीखो, सॉल्यूशंस पढ़े, नेट पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है, सीखो। को मतलब मेरे से भी नहीं होता था यार क्वेश्चन, सीधे सीधे बताऊँ तो सॉल्यूशन देख के सीखा जितना कुछ सीखा है तो उससे, लेकिन क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, थॉट प्रोसेस काफ़ी अच्छा डेवलप हो जाता है। तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा अभी कुछ दिनों से ही वो वीडियो पर ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे इस टॉपिक के ऊपर, तो मैंने वीडियो बना दी है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि उसके अंदर ऐसे भी कुछ क्वेश्चन है जो JEE के रिलेटेड ही नहीं है, ऐसे नॉन इनर्शियल फ्रेम्स के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है? तो नीचे पढ़े हैं कौन कौन से क्वेश्चन JEE के सिलेबस में पहली बात तो, और कौन से थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ और देख लो।